हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MDU हेल्प में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से डिस्टेंस के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट जारी की गई है। MLib के जो स्टूडेंट हैं, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब की बार ही एडमिशन लिया है, डिस्टेंस के जो स्टूडेंट हैं उनकी यह डेट शीट रहेगी। मार्च में आपके एग्ज़ाम है, मार्च 2022 में कब से आपके एग्ज़ाम रहेंगे वो भी देख लेते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी एग्ज़ाम की, टाइमिंग रहेगी 2 से 5, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। अगर आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा PDF बनाने के लिए। ऑनलाइन मोड में कौन कौन स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, 1007 डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस विवेकानंदा लाइब्रेरी रोहतक ही आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम, दोनों मोड में आपके एग्ज़ाम रहेंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड में कौन कौन स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। इसके बाद नोट में क्या लिखा है, Any 5 एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, Any 5 एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अगर आपके सभी क्वेश्चन इक्वल नंबर के हैं तो आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके सभी क्वेश्चन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब सभी क्वेश्चन वो अनइक्वल नंबर के, कोई 5 नंबर का, कोई 6 नंबर का है, तो आपको मैक्सिमम नंबर का जो पेपर अटैम्प्ट करना। जैसे आपका 80 नंबर का पेपर है तो आपको 80 नंबर का जो पेपर है वो अटैम्प्ट करना। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, Any 5 एग्ज़ाम पैटर्न से आप पेपर कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम आपके कब से रहेंगे। 4 मार्च को आपका पहला एग्ज़ाम रहेगा, कौन से सब्जेक्ट का, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पेपर कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर ID दी गई है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, 7 मार्च को इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन थ्योरी। इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा आपका 7 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा 9 मार्च को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक थ्योरी आपका एग्ज़ाम रहेगा 9 मार्च को। 3 सब्जेक्ट है आपके, देख सकते हैं। MLib के जो फर्स्ट सेमेस्टर के डिस्टेंस के जो स्टूडेंट हैं, आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम रहेंगे 4 मार्च को, 7 मार्च को, 9 मार्च को। और जो आपके 2 सब्जेक्ट रह गए उनकी आपकी प्रैक्टिकल बाद में होगी या फिर कब होगी इसके रिगार्डिंग अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। प्रैक्टिकल जब भी होगी मैं उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बना दूंगा जब भी नोटिस आएगा। फिलहाल जो आपके जो थ्योरी के सब्जेक्ट है, जो 3 सब्जेक्ट है थ्योरी के, उनकी डेट शीट आ चुकी है, यहाँ से आप डेट शीट को देख सकते हैं। अगर आप इस डेट शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो ये डेट शीट है वो MDU की वेबसाइट से हटा ली गई है। MDU की तरफ से आज 8 डेट शीट जारी की गई है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें से 1 डेट शीट डिस्टेंस के जो स्टूडेंट हैं MLib के उनकी थी, लेकिन जो ये डेट शीट है फिलहाल वेबसाइट से हटा ली गई है। MDU की जो वेबसाइट है उससे ये डेट शीट हटा ली गई है। डिस्टेंस के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे MLib के उनकी ये डेट शीट हटा ली गई है, लेकिन मैंने डेट शीट को पहले से ही डाउनलोड कर लिया था। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये आपकी कोई डेट शीट नहीं है। अगर दोबारा से यही डेट शीट आती है तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। MLib के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये डेट शीट थी, फिलहाल वेबसाइट से हटा रखी है। आज ये डेट शीट आई थी, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, 22 फरवरी आज यह डेट शीट आई है। 8 डेट शीट आई थी जिसमें से 1 डेट शीट डिस्टेंस की थी, लेकिन फिलहाल वेबसाइट से हटा दी गई है। दोबारा से अगर वेबसाइट पर यही डेट शीट अपलोड होती है तो मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और डिस्टेंस के जो स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रीवियस स्टूडेंट हो, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, अभी आपकी कोई डेट शीट नहीं आई है। जब भी डेट शीट आएगी मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा जब भी डेट शीट आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डेट शीट के बारे में पता करना है तो आप कंडक्ट ब्रांच में कॉल करके भी पता कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।